हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है मैट्रिसेस में, दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये मेथड हमने ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक था हमारा डिटरमिनेंट में, एम में भी आया था, उधर हमने सॉल्व किया था यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। अब हम इसको सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड से, हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो पहले मैं इसका थोड़ा सा थियरी पार्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम इस एग्जाम्पल को ले लेंगे। तो देखना ध्यान से बच्चों, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं थियरी कवर करूंगा। देखना, ये जो तीन इक्वेशन दिए हैं इनको मुझे सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इसको पहले मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं। तो देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो मैंने लिखा एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। देखना ध्यान से बच्चों क्या लिख रहा हूं मैं, और ये हो गया 6 2 1। देखो ये हमारा क्या है, 3x1 मैट्रिक्स, और ये भी हमारा 3x1 मैट्रिक्स है। तो इस सिस्टम को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ये क्या लिखा है, दो मैट्रिक्स बराबर लिखी है। मतलब हम क्या करते हैं, जब भी दो मैट्रिक्स लिखी होती है बराबर इक्वेट की होती है, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं। तो अगर मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया तो क्या आएगा, मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, वो ये रही, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, वो ये रहा, और 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, वो ये रहा। तो मतलब ये सिस्टम जो लिखा है मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, फर्दर मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा 1 1 1 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 1, और इधर लिखा मैंने एक्स वाई जेड, और इधर इक्वल्स टू 6 2 1। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब एक बार हम देख लेते हैं। देखो ये तो मेरा 3x3 मैट्रिक्स है, और ये मेरा 3x1 है, और ये मेरा 3x1 है। अब सुनना, जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 3 कॉमन है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑब्टेंड मैट्रिक्स क्या होगी, 3x1। तो देख लेते हैं एक बार, जब मैं इसका रो 1 इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। फिर मैं इसका रो 2 उठाऊंगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, फिर 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड। तो इस सिस्टम को फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो फाइनली मैंने इस सिस्टम को ऐसे लिख लिया, क्लियर है बच्चों। अब देखना इंपॉर्टेंट, अब क्या, एक मिनट के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाए। अब मैंने इस मैट्रिक्स को ए बोल दिया, जो मेरा पहला 3x3 दिया है, दूसरे को एक्स बोल दिया कैपिटल एक्स, और इसको बोल दिया लेट से बी। तो जो मेरा सिस्टम दिया था वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, देखना इधर लिख रहा हूं मैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अच्छा अब सुनना, अब क्या करेंगे हम, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे निकालना है x मैट्रिक्स, क्योंकि x मैट्रिक्स क्या है मेरी, एक्स वाई जेड है। तो क्या करें हम, खुद सोचो, दो मिनट के लिए पॉज करके, हम क्या करें, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई एम, व्हाट आई एम डूइंग, प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। तो ये क्या जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, क्योंकि इधर क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू ए विच इज आई, आई इंटू एक्स इज एक्स। तो फाइनली तुम्हें ये मिला। अच्छा फर्दर मैं इसको एक और फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स को एडजॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मेरा ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स। तो इसको हम याद रखेंगे। अब हम केसेस बनाएंगे कि डेल्टा इक्वल टू जीरो होता है तब क्या होता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होता है तब क्या होता है, जैसा कि हमने उधर किया था। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके तुम इतना पार्ट कॉपी करो, मैं इतना पार्ट रब करने वाला हूँ। ठीक है, चलो अब देखना ध्यान से, मजेदार चीज है, और अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड ऑल्सो, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी होती है और बोलते हैं कि सॉल्व इट यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। देखो अगर मान लो मैट्रिक्स मेथड नहीं बोला तो हमने जो पहले सीखा डिटरमिनेंट मेथड वो कर सकते हैं। उसमें क्या था हमारा, एक्स कैसे आता था, डेल्टा अपॉन डेल्टा वन, सॉरी डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, एक्स वाई जेड आते थे। अब हम इससे निकालेंगे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब मैं केस बना रहा हूँ, केस वन याद होगा तुम्हें, उधर भी हमने केस बनाया था, क्या लिखा था पहला केस, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो था तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया था, वही चीज इधर होने वाली है। देखना क्यों, अब ध्यान से देखो, इधर जो मैट्रिक्स ए है वही उधर डेल्टा था, ठीक है ना, जैसे डिटरमिनेंट में पढ़ा था। तो अब मैं इधर केस के हिसाब से बना रहा हूं, ये वाली चीज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मॉड ऑफ डेल्टा ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा इसमें भी हम दो केसेस बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे देखना। मैं क्या लिख रहा हूं कि हाँ, न्यूमरेटर वाला पार्ट, इस केस वन है, इसके अंदर सब पार्ट वन,
देखना ध्यान से बच्चों, पहला तो हो गया डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें पक्का मेरा कंसिस्टेंट आएगा सिस्टम, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, बट फिर भी मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, कैसे, न्यूमरेटर वाला, तो न्यूमरेटर क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अब देखना अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो से मेरा मतलब है ये नल, तो क्या आ रहा है बेसिकली, देखो ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो एक्स क्या आया, एक फाइनाइट आया, तो मतलब क्या मिलेगा हमें, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, क्या मिलेंगे, नॉन ट्रिवियल, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट और हैविंग नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल मतलब क्या बताया था मैंने, एटलीस्ट वन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज नॉन जीरो, तो हैव नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, चलो इसी के अंदर केस टू, अब अभी डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो के अंदर ही चल रहा हूं, मुझे पता है डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो मतलब यूनिक आ रहा है, तो इधर भी यूनिक आया, इसमें भी यूनिक आएगा, बट इसमें यूनिक क्या कैसे आएगा देखना ध्यान से, मैंने लिखा है क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, नल मैट्रिक्स, तो आपको सोचो एक्स मेरा क्या आ गया, जीरो अपॉन नॉन जीरो, तो ये ओवरऑल जीरो आ गया, तो एक्स मेरा नल मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब मेरा एक्स वाई जेड क्या होंगे, जीरो 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 जीरो, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो लिख लो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो, तो यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, क्या किया हमने बेसिकली उस सिस्टम को पहले इस फॉर्म में लिख लिया, ax is equal to b फॉर्म में, a से प्री मल्टीप्लाई किया a इनवर्स से, तो हमारा ये आ गया, फिर मैंने केसेस किस हिसाब से बनाए, डिनोमिनेटर के हिसाब से, तो डिनोमिनेटर अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तब मेरा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, उसमें ही मैंने दो केसेस बनाए कि न्यूमरेटर जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, जीरो से मेरा मतलब मैट्रिक्स, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, अगर नल मैट्रिक्स नहीं हुआ तो भी कंसिस्टेंट है, बट तब क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, मतलब जीरो जीरो के अलावा कुछ यूनिक सॉल्यूशन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वन वाई टू जेड थ्री, या एक्स वन वाई जीरो जेड जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो, वो तो इधर आ गया, और जब मैंने लिया न्यूमरेटर नल मैट्रिक्स ले लिया, और ये मैंने ऑलरेडी ले रखा है इस केस में नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कितना आया मेरा ओवरऑल जीरो आ गया, तो जीरो आ गया इसका मतलब सिस्टम तो अभी भी कंसिस्टेंट है, बट ट्रिवियल सॉल्यूशन है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो, तो समझ में आया, तो जो हम अभी मेथड कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड, वो यहीं तक हमारा यूज होगा, यहीं तक केस वन के लिए, जो केस टू मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली हम यूज नहीं करेंगे, बट मैं बता दे रहा हूँ होगा क्या, अगर केस टू में जाना पड़ा से मेरा मतलब क्या, अगर डेल्टा इक्वल टू मॉड ए इक्वल टू जीरो आ गया, तब हम क्या करेंगे, जो हम डिटर्मिनेंट में यूज किए हैं पूरा एनालिसिस की सिस्टम, और वो प्लेन्स पैरेलल तो नहीं है, और पैरेलल में भी फिर कोइंसिडेंट वगैरह, वो सारा जो केस डिटेल था वो सब देखेंगे, फिर वो कोएक्सियल वाला केस तो नहीं है, फिर वैसे एनालिसिस करेंगे, हाँ अगर केस वन में डील हो गया तो बहुत अच्छी बात है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, बट अगर जो उधर हमने केस टू और केस थ्री पढ़े थे, क्या पढ़े थे एक बार रिकॉल करते हैं, चलो मैंने बोला था एक बार वाला मेथड रिकॉल करते हैं, सबसे पहले उधर डेल्टा देखते थे नॉट इक्वल टू जीरो आता था तो यूनिक सॉल्यूशन आता था, वो तो इधर भी आ गया, फिर केस टू उधर क्या होता था कि डेल्टा इक्वल टू जीरो आ रहा है प्लस एनी वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री नॉन जीरो आ रहा है, तब हम क्या बोलते थे डायरेक्टली नो सॉल्यूशन, केस थ्री हमारा लंबा था उधर, क्या था कि सारे डेल्टा जीरो हो गए, जब सारे डेल्टा जीरो हो जाते थे तब हम फिर मैनुअली एनालिसिस करते थे, कैसे एनालिसिस करते थे कि हम देखते थे कि कोई भी दो प्लेन उनमें से पैरेलल और कोइंसिडेंट तो नहीं है, फिर अगर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है तो वहीं खत्म नो सॉल्यूशन, अगर पैरेलल और कोइंसिडेंट आ गए फिर तीसरा प्लेन देखते थे कि वो उन दोनों के पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, अगर उनमें से भी कोई केस नहीं है मतलब कोई भी दो प्लेन पैरेलल और कोइंसिडेंट नहीं है फिर भी सारे डेल्टा जीरो आ रहा है तब हमारा कहाँ जंप करते थे हम अपना कोएक्सियल प्लेन में, ठीक है ना, फिर उसमें क्या होता था हमारे दो केस बनते थे कि जो थर्ड प्लेन है वो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा होता था या फिर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल हो रहा होता था, अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के से पास हो रहा होता था तो अगेन मुझे क्या मिलते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होता था तो मुझे नो सॉल्यूशन मिलते थे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मेरा कहने का मतलब क्या है अभी कि हम अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, डेल्टा मींस हियर इट मींस मॉड ए, तो हम इसी से डील करेंगे, अगर मॉड ए जीरो आ गया तो हम इस मेथड को छोड़ के डिटर्मिनेंट वाले मेथड से एनालिसिस करेंगे, ठीक है, बट इधर होगा क्या वो मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ, चलो तो उससे पहले क्या कर रहा हूँ मैं इसको रब कर रहा हूँ, इतने पार्ट को तुम कॉपी करो, इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करेंगे, तो हमारा केस में डिस्कस हो गया कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, अब मैं बोल रहा हूँ डेल्टा इक्वल्स टू जीरो, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ केस टू,
अगेन दिस प्रैक्टिकली हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम डिटर्मिनेंट मेथड ही पे ही जाएंगे, केवल केस वन के लिए हम यूज करेंगे। केस टू क्या होगा हमारा, डेल मॉड ए इक्वल्स टू जीरो। इसमें भी फिर हम दो केस बनाएंगे, क्या कि अब देखो हमारा जो इधर एक्स मैट्रिक्स आया था वो क्या आया था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, ठीक है। अब मैं क्या बना रहा हूँ न्यूमरेटर के हिसाब से, ये तो जीरो हो गया, अगर ऊपर वाला नॉन जीरो हो गया तो मैं केस बना रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो खुद सोचो ये नल मैट्रिक्स नहीं है और ये जीरो है, तो ये अनडिफाइंड हो गया, हेंस इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर सेकंड क्या बन जाएगा, जब ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये हो रहा है, तो दूसरा क्या होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल्स टू जीरो। इसमें क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम इन दोनों का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, किसका करेंगे हम, डिटर्मिनेंट मेथड का। हाँ यूनिक सॉल्यूशन तक ठीक है, उसके लिए हम यही मेथड यूज करेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज इजियर, मतलब टाइम टेकिंग कम होगा, कब कम होगा, जब मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, कि हमारा क्या आया था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, बस ये निकालना है हमें, डायरेक्टली हमारे एक्स वाई जेड आ जाएंगे, उधर तो हमारे डेल्टा निकालो, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री निकालो, फिर डिवाइड करो, तब हमारे एक्स वाई जेड आते थे, इधर से हमें केवल मैट्रिक्स ए इनवर्स निकाल के उसको प्री मल्टीप्लाई, इससे बी से मल्टीप्लाई करके बस डायरेक्ट आ जाएगा भाई हमारा आंसर, क्लियर हुआ। तो अब हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। तो जैसे कि मैंने बोला, पहला काम क्या होगा हमारा, मॉड ए निकालना, तो देख निकाल लेते हैं एक मॉड, तो इसका मॉड ए निकालते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ पहले इसको, तो एक काम करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाता हूँ, तो सी टू माइनस सी वन और सी थ्री माइनस सी वन। तो पहले ये सी वन तो सेम रहा, वन टू देखना, सी टू माइनस सी वन करूँगा तो वन माइनस वन जीरो, माइनस वन माइनस टू, वन माइनस टू इज माइनस वन, फिर वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम जीरो आ रहा है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। चलो अब इसको निकाल लेते हैं, ये गया तो माइनस टू इंटू माइनस थ्री सिक्स, तो फाइनली सिक्स आ गया इसका मॉड ए, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अब हम यही मेथड यूज करेंगे, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। अच्छा इसको एक चीज और इधर लिख लेना, मैट्रिक्स मेथड को गॉस जॉर्डन मेथड और बोलते हैं, कहीं तुम्हारा मान लो आ जाए कि सॉल्व इट यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, तो तुम्हें लगना नहीं चाहिए कि नहीं पढ़ाया गया, इसी को बोलते हैं, लिख लो इधर GAU SSS गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड। देखो बोर्ड में तो वो डायरेक्टली बोलेगा कि सॉल्व इज यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट मेथड से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये मेथड भी सिखाया जा रहा है, और प्लस ये थोड़ा लेस कंज्यूमिंग है टाइम, ठीक है। चलो तो मॉड ए आ गया, मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कैसे निकालते थे, पहले कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो पहले मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहा हूँ, देखना कैसे बना रहा हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस वन का कोफैक्टर क्या होगा, ये गया वन माइनस वन जीरो, इस वन का कोफैक्टर ये गया तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, फिर इसका कोफैक्टर ये गया अच्छा इसका मैंने क्या लिखा, ये गया माइनस वन माइनस टू, और एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि माइनस वन की पावर आई प्लस जी होता है कोफैक्टर। अच्छा फिर ये गया वन प्लस टू थ्री, थ्री आ गया, फिर इसका कोफैक्टर ये गया माइनस वन माइनस वन माइनस टू, और प्लस टू हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा इस माइनस वन का कोफैक्टर ये गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये गया तो वन माइनस टू इज माइनस वन, प्लस वन हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर मेरा एस टू का कोफैक्टर ये गया वन प्लस वन टू, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। फिर इस वन का कोफैक्टर ये गया वन माइनस वन जीरो, इस माइनस वन का कोफैक्टर ये गया माइनस वन माइनस वन माइनस टू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया हमारा खत्म, ठीक है। ये तो कोफैक्टर आया, अब क्या करूँ मैं, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ, इसको रब करता हूँ, तो देखना एडजॉइंट अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सॉरी एडजॉइंट क्या, इनवर्स ही लिख लेते हैं हम डायरेक्टली, देखना ध्यान से बच्चों क्या लिखेंगे, एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, मॉड ए निकाला सिक्स है तो वन बाय सिक्स तो इधर आया, अब किसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेना है, तो क्या हो जाएगा जीरो थ्री थ्री टू माइनस थ्री वन टू जीरो माइनस टू, ठीक है। ए इनवर्स आ गया, अब क्या करना है, ए इनवर्स इंटू क्या था हमारा होगा बी, तो अगेन मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है,
ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स इधर लिख लेता हूं, ये ए इनवर्स, ये बी, और ये मेरा एक्स वाई जेड, इधर हो गया 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, ठीक है ना, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। चलो अब देखना इसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/6 को तो मैं बाहर ही रहने देता हूं, नाउ मल्टीप्लाइंग दिस, सी 0 × 6 0, 2 × 2 4, 4 + 2 6, तो ये आ गया 6, फिर ये 3 6 3 18, 18 - 6, 18 - 6 = 12, 12 आ गया ये, फिर 3 6 18, 18 + 2 20, 20 - 2 18, तो ये 18 आ गया, क्लियर है, तो फाइनली 6 को अंदर लेके गया, 6 हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, और ये किसके बराबर है, एक्स वाई जेड, तो फाइनली वी आर गेटिंग आंसर एज, देखो इधर बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 3, दिस इज द आंसर, क्लियर हुआ, आसान है काफी, ठीक है ना, केवल हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, तो तुम क्या करो एक बार ए इनवर्स का ना खुद से प्रैक्टिस करो 2-4, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, क्योंकि बोर्ड में 100% क्वेश्चन हर बार आता है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना, यू कैन सी मतलब मैक्सिमम टाइम आता ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तुम देख भी लोगे प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम की जो बुक आती है, मैंने तुम्हें बताया भी था, उस सवाल करके आती है, उसमें तुम देखोगे कि ये हर बार आया है क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मतलब 3 में से 2 बार तो आया ही आया है, मतलब 70% चांसेस है इसके आने के, ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें क्या होना चाहिए, थोड़ा ए इनवर्स का प्रैक्टिस होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट ए इनवर्स फास्ट, क्योंकि वो प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोफैक्टर निकालते वक्त बहुतों की मिस्टेक होती है, ठीक है ना, वो मिस्टेक अवॉइड करना है, तो देखा बच्चों समझ में आया, आई होप मजा आया होगा क्वेश्चन करने में, चलो अब मैं एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ सेम कैटेगरी का, बट तुम लोग उसको करना है एज होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, तो बिफोर दैट आई रब द बोर्ड, तुम लोग कॉपी कर लो इसको, और इसका आंसर मैं आंसर ही बता दूंगा, तुम वेरीफाई कर लेना, ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, एक्स प्लस 3z इक्वल्स टू 11, 2x - 3y = 1, ठीक है ना, तो इसमें तुम्हारे सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, तो तुम कैसे लिखोगे सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में, ax इज इक्वल टू b, तो a क्या हो जाएगा, x y z के कोफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 1 2 1 1 0 3 2 - 3 0, a अच्छा मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट नहीं लिखना, मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, ए एक्स एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बी, बी इज 7 11 1, बस अब क्या करना है तुम्हें, इसका इनवर्स निकाल के उससे प्री मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो एक्स वाई जेड डायरेक्टली दे देगा, ठीक है, आई होप तुम लोग कंप्लीट कर लोगे, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, देखो इसका आंसर आएगा तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 3, वेरीफाई इट योर सेल्फ, अगर फिर भी किसी का नहीं आता है, मैच नहीं करता है, तो मुझसे पूछना, आई विल सेंड द सॉल्यूशन, ठीक है, चलो अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है ना, इस पॉज करके जस्ट कॉपी इट, देखना अब एक दो क्वेश्चन मैं और होमवर्क के लिए दे रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है, तो जस्ट कॉपी दी एग्जांपल, a इज इक्वल टू 0 - 1 0 1 0 - 2 0 2 0, और मुझे दे रखा है एक इक्वेशन, देखना इधर ध्यान से बच्चों, b इंटू आई माइनस ए इज इक्वल टू i प्लस ए, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ p इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, चलो और एग्जाम्पल लिख लो होमवर्क के लिए, फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एक्स इफ, देखो एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ए 2/3, सी 2/3, 1/3, एक्स 2/3, बी 1/3 इज ऑर्थोगोनल, तो तुम्हें ये निकालना है, ए बी सी एक्स निकालना है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स दे रखा है कि ये ऑर्थोगोनल है, अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लो, फाइंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
ए सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू 80 माइनस 57 27। ठीक है ना, ए क्यूब दे रखा है, उसमें बोला है कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए उसको निकालना है। ठीक है, तो ये तुम लोग कंप्लीट करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो। इसके बाद हम एक लास्ट मेथड और एक चीज, एक टॉपिक रह गया छोटा सा है, वो जेई के लिए तो नहीं है बट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो उसको और हम आज ही डिस्कस करके फिर हम आज एंड अप कर देंगे मैट्रिक्स चैप्टर का। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो। हाँ, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बोला, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, तो इधर लिख भी लो, जेई में नहीं आएगा इसका क्वेश्चन, दिस इज फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ERT। ठीक है, तो वैसे नाम से समझ में आ रहा हो, रो में हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वो करेंगे क्या वो लिख लेते हैं पहले। तो तीन पॉइंट है, वो नोट डाउन कर लो। वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो बाय एनी स्केलर। ठीक है, हम किसी भी रो को, अभी बताऊंगा कौन सी मैट्रिक्स पे हम करने वाले हैं ये ऑपरेशन, पहले ये लिख लो, वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो बाय एनी स्केलर। हम किसी भी रो को किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इज, वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज। वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज। देखो, हम कॉलम पे नहीं कर रहे हैं, जो भी अभी ऑपरेशन में लिख रहा हूँ दे आर एप्लीकेबल ओनली ऑन रोज। जैसे मैंने इधर बोला, हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर से, कॉलम को नहीं करना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार मैं किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकता हूँ। और थर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन एड मल्टीपल ऑफ एनी रो टू एनी अदर रो। वी कैन एड मल्टीपल ऑफ रो, लिख लो एनी रो हटा दो इधर से, वी कैन एड मल्टीपल ऑफ रो टू एनी अदर रो। इसका मतलब समझाऊंगा, इस क्या है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली। देखो, इसका जो एप्लीकेशन है ना, दो चीज़ें हैं इसकी एप्लीकेशन। एक तो क्या है, जो भी हमने देखा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना, और एक और है इन्वर्स निकालना। ठीक है, जैसे कि वो क्या बोले, जैसे इन्वर्स तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं एडजॉइंट वाले मेथड से, बट एग्जाम बोर्ड एग्जाम में क्या आ सकता है कि फाइंड इनवर्स यूजिंग ERT, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसलिए ये बताया जा रहा है। तो पहले तो हम देखते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन इज सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, वो बेटर होगा कि इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल लिया था ना, उसी के आधार पे समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक नया वही एग्जाम्पल का प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा इसी मेथड से, और आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व दिस। चलो, तो इससे पहले मैं इसको ऊपर वाला पार्ट को रब कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। अब जैसा कि मैंने बोला कि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसा क्यों कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले एक टर्म है करके, उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स करके, उसको पहले बता देता हूं क्या होता है। लिख लो पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो क्या है देखना, क्योंकि हम इसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे वो ERT लगाने वाले हैं, दैट इज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती क्या है, जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उससे बनने वाला मैट्रिक्स, दैट इज 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1। अच्छा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ऑगमेंटेड मतलब बढ़ाना। अब ऑगमेंटेड क्या करेंगे, थोड़ा ऐड करेंगे, कुछ क्या करेंगे, हम इधर एक डैश लाइन लगाएंगे, दिस स्टैंडर्ड नोटेशन, और उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स, ये वाली लिखेंगे 6, जो इसके RHS में लिखा है 6 2 1, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स पे अब हम अपना क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, तो इस पे जब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, उससे जो एक मैट्रिक्स बनेगा दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स,
इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा. ऑफ कोर्स जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो मैट्रिक्स तो चेंज होगा, बट वी आर सेइंग इट इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, नॉट इक्वल मैट्रिक्स, याद रखना. ठीक है, चलो अब करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, देखना ध्यान से. हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म कर भी क्यों पा रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से. देखो जब भी हम, जैसे मान लो मुझे अभी ये मैट्रिक्स भूल गए, मैंने बोला हम सॉल्व दिस इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं जनरली सॉल्व करने के लिए, कि इन दोनों को ऐड करके लेट्स से मैं वाई एलिमिनेट कर दूं, ठीक है, फिर इधर से वाई, जैसे मतलब इधर से इस वाले से वाई उठा के इन दोनों में डाल दिया, तो ये दोनों इक्वेशन एक्स और जेड में बन गई. फिर दोनों को सॉल्व कर लिया, एक्स और जेड आ गए, उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख के वाई आ गया, ऐसे ही सॉल्व करते हैं. तो अब सुनना, जब मैंने बोला कि जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा था कि वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो बाय अ नंबर, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें जरूरत पड़ता है तो हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर थोड़ी चेंज हो जाता है इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे. तो अब समझ में आ रहा होगा, तो मैंने क्यों लिखवाया उधर कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज इक्विवेलेंट. मतलब इसको सॉल्व इसका इस पर ईआरटी लगा के जो मैट्रिक्स आएगा उसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना इज सेम थिंग, विल गेट द सेम रिजल्ट. ठीक है ना. अच्छा, फिर सेकंड मैंने बोला था कि वी कैन इंटरचेंज टू रोज और कॉलम. अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ या फिर मैं इन दोनों को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब मैं चाहे इन दोनों को पहले लिख रहा हूँ या इन दोनों को पहले लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए बोला कि वी कैन इंटरचेंज रोज. और तीसरी बात जो थी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि खुद सोचो, अगर मान लो मैंने तुम्हें पहले एक्स एलिमिनेट करना है तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करके एक्स गायब हो जाएगा. तो वही चीज थर्ड पॉइंट में बोल रखा है, क्या कि हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे किसी और इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. समझ में आया, आई होप क्लियर हुआ होगा. ठीक है ना. अब देखो, अब खुद कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम कॉलम क्यों नहीं कर पा रहे. तो कॉलम में करना मतलब क्या हो रहा है, हम इस 1, 1, 2 को इनको छेड़ना. मतलब अगर मैंने बोला किसी भी कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना, लेट्स से कॉलम 1 को, तो इसका मतलब हम ये चीज छेड़ रहे हैं. वी आर डिस्टर्बिंग दिस थिंग. और हम इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कभी ऐसे तो नहीं करते पर्टिकुलर एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, हम तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से. तो समझ में आ रहा होगा कि कॉलम में क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम. क्लियर है बच्चों. चलो अब देखना, अब क्या करना है हमें, तो मैं इसको रब कर देता हूँ. ठीक है, मैंने इधर लिख लिया, एक बार डाटा देख लेते हैं. 1, 1, 1, 1, -1, 1, 2, 1, -1 और ये 1, 6, 2, 1. अब सुनना, अब क्या करना है हमें, देखो ध्यान से, जो ये मैट्रिक्स दिया ना इसको, इसको ट्राई टू मेक इट अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर, और बेटर सबसे बेस्ट होगा डायगोनल. क्यों, इसका मतलब क्या है वो बताता हूं. डायगोनल मैट्रिक्स देखो क्या होगा, जैसे मैंने बोला, लेट्स से मैं अपर ट्राइंगुलर के लिए बता रहा हूँ, मैंने बोला अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाओ यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. इसका मतलब क्या है कि मुझे इन तीनों एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, इसको इसको और इसको. आई एम फोकसिंग ऑन दिस पार्ट. ठीक है, देखो इसको जीरो कैसे बनाएंगे, आर टू माइनस आर वन, और मुझे पता है रो ट्रांसफॉर्मेशन तो कर सकता हूँ मैं. तो देखना, पहले तो मैं लगा रहा हूँ आर टू माइनस आर वन, आर टू गोज टू. तो देखो इससे मेरा क्या बना, आर वन तो वही रहेगा 1, 1. अच्छा एक चीज और, जब ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो हम ये भी कंसीडर करेंगे, पूरा रो कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं केवल इतने पार्ट में लगाएंगे, ये तो पूरा एक मैट्रिक्स है. तो रो में ये चारों एलिमेंट्स आएंगे. क्लियर है. तो देखना, ये तो 6 रहा. अब आर टू माइनस आर वन क्या, तो 1, -1, 0, -1, -1, -2, 1, -1, 0, 2, -6, -4. ठीक है, अब सुनना, तो हमारा ये वाला पार्ट जीरो हो गया. अभी मुझे इसको और जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने में के लिए क्या करें, हम क्या करें, देखो इधर ही लिख देता हूँ, आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस ट्वाइस आर वन. जैसे हम हर बार करते आ रहे थे, जब भी हम डेल्टा निकालते थे तो मैं क्या बोलता था कि इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, तो हम आर टू माइनस या फिर आर थ्री माइनस आर वन करते थे, तो आर थ्री माइनस ट्वाइस आर वन किया, क्योंकि इधर टू है ना. तो अब देखना इधर क्या जाएगा, जीरो. अब ध्यान से देखना, 1, -2 ऑफ 1, तो 1, -2 इज -1, -1, -2 ऑफ 1, तो मतलब -1, -2, -3, और 1, -12, -11. आई होप समझ में आया क्या हुआ. नाउ अब देखो, अब कहने का मतलब क्या हो गया कि जो मेरी इक्वेशन थी ना, अब देखना ध्यान से समझना, हमें रटना नहीं है. ठीक है ना, हमें रटना नहीं है, ये लिख लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं. देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि
और बना क्यों रहे हम लोअर ट्राइंगल, वो भी बता रहा हूँ। देखो ये जो सिस्टम था ना पहले मेरा, अब वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, और ये सिस्टम किसके इक्विवेलेंट हो गया, अगर मान लो मैं दोबारा इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स, ये तो पहली वाली इक्वेशन ही है, ठीक है। ये क्या है मेरी माइनस टू एक्स और जीरो माइनस माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, और ये हो गया माइनस वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू माइनस इलेवन। समझ में आ रहा है कुछ क्या ठीक क्या हुआ हमारा एक्सेक्ट एक्चुअली? देखो इधर से मेरा डायरेक्टली एक्स आ रहा है, ठीक है, वो तो इधर किस्मत से आ रहा है क्योंकि इधर एक जीरो ऑलरेडी आ गया, बट मान लो ये नॉन जीरो होता तो इधर मेरी इक्वेशन क्या होती, एक्स प्लस समथिंग जेड। तो खुद सोचो कि अब मेरा, देखो पहले मेरी इक्वेशन जो दे रही थी उसमें तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड थे तो सॉल्व करना टफ हो रहा था, बट एटलीस्ट अब ये इन दोनों में मेरा एक एक वेरिएबल कम हो गया। अच्छा तो समझ में आ रहा है, अब ये सिस्टम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहली बात अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं फर्दर इसको रिड्यूस करूंगा, जैसे कि मैं बोला था इसको मैं अपर ट्रायंगुलर में करूंगा। उससे फायदा क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर में करने पे क्या होगा, ये एलिमेंट जीरो बनाऊंगा मैं। अपर ट्रायंगुलर कब बनेगा हमारा, जब डायगोनल के बिलो एलिमेंट जीरो होंगे, तो आई ट्राई टू मेक दिस एलिमेंट जीरो, इसको जीरो बनाना है मुझे, और ये दोनों एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या करूं मैं इसकी मदद से बना देता हूं आर थ्री और एक मिनट रुको सॉरी आर थ्री और आर टू की मदद से, क्योंकि देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस वन बाय टू आर टू। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये चेंज होगा क्या, जीरो माइनस हाफ टाइम जीरो, जीरो ही रहेगा, तो ये चेंज नहीं हुआ, बट ये चीज जीरो हो गई। देखो माइनस वन माइनस हाफ टाइम्स माइनस टू तो प्लस वन हो गया, तो वन माइनस वन प्लस वन इज जीरो। तो अब क्या होगा, देखो मजेदार चीज, इधर फिर भी दिक्कत थी सॉल्व करने में, अब देखना बहुत आसान होने वाला है क्या। देखो पहले तो मैंने आर वन को तो ऐसे लिख दिया वन वन सिक्स, और फिर ये मेरा जीरो माइनस टू जीरो माइनस फोर। अब देखो ये तो जीरो है, जीरो माइनस हाफ ऑफ जीरो इज जीरो, देखो ये जीरो रहा। अब माइनस वन माइनस हाफ ऑफ दिस तो कितना हो गया जीरो, वो तो होना ही है, उसी के लिए तो हमने ये लगाया था। अब देखो माइनस थ्री माइनस हाफ ऑफ जीरो वो माइनस थ्री रहा, माइनस थ्री माइनस इलेवन तो मैं इधर लिख लेता हूँ अलग से, माइनस इलेवन माइनस हाफ ऑफ माइनस फोर, तो ये हो गया प्लस हो गया टू, तो माइनस इलेवन प्लस टू इज माइनस नाइन। देखना अब क्या, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, देखो ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि अब तुम इसको दोबारा इक्वेशन के फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, देखो ध्यान से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स, दूसरे से क्या लिखोगे जीरो एक्स माइनस टू वाई, तो माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस फोर। चलो इधर जीरो नहीं होता तो इधर हमारा जेड आता, चलो मान लिया, बट ये वाले लास्ट वाले इक्वेशन से क्या होगा ना तुम्हें डायरेक्टली जेड मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जीरो हो गए, केवल इधर क्या बचेगा माइनस थ्री जेड इक्वल टू माइनस नाइन, तो जेड कितना आ गया, जेड इक्वल टू थ्री आ गया। अगर मान लो अब इधर जेड होता भी, अगर मान लो इधर जीरो नहीं होता, इधर जेड होता भी, तो हम ये वाला जेड उठा के इधर रखते, वाई आ जाता, और वाई आ गया जेड आ गया, इसमें रख के एक्स आ जाता, बट इधर तो हालांकि इधर ही सिंपल सिंप्लीफाई हो गया हमारा, क्योंकि वाई इधर से आ गया टू, अब एक्स जेड थ्री आ गया वाई टू आ गया, इधर रखोगे तो एक्स वन आ गया, ये हमारा पहले आंसर आया था। तो समझ में आया क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक दिस एलिमेंट जीरो, दीज थ्री एलिमेंट्स, ठीक है ना। अच्छा देखो अब ये तो हो गया हमारा लोअर ट्राइंगल, अपना अपर ट्राइंगल बना दिया, लोअर ट्राइंगल से भी कर सकते थे। अब देखो अगर लोअर ट्राइंगल से करते तुम तो क्या करते तुम, देखो आई मार्केट हियर ओनली, यू विल मेक दिस जीरो, यू विल मेक दिस जीरो, ये जीरो बनाते तो तुम्हारा एक्स डायरेक्टली आ जाता, एक्स इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स नहीं आता हालांकि, क्योंकि जब हम इनको जीरो बनाते तो ये भी नंबर चेंज होते ना, समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक ये भले अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल कोई अंतर नहीं है ज्यादा, अगर मैंने डायगोनल बना पाया तो देखो डायगोनल बनाने से तो बहुत ही आसान हो गया, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। क्यों, जैसे तुम खुद से ट्राई करना एक बार, क्या करना इसको डायगोनल बनाने की कोशिश करना, अगेन कीपिंग इन माइंड कि मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है। तो देखो जब लगाओगे तो तुम मान लो तुम्हारा इधर जैसे मैं इसी के हिसाब से लिख देता हूँ आंसर के हिसाब से, वन जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री, देखना तुम्हारा ये बनेगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इस टाइप की कुछ बनेगी शायद, ठीक है ना। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गई, जब डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी बनी तो इधर कुछ तो ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें तो फिर भी, अब इसको मैं अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं मैं तुरंत, मतलब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, देखना ध्यान से, x into 1 is equal to 1, तो x is equal to 1 आएगा, 0x 2y is equal to 4, तो 2y is equal to 4, तो y is equal to 2 आ गया, 0x 0y 3z, तो 3z is equal to 9, तो
तो जेड आ गया। तो समझ में आया, इधर तो एक एक वेरिएबल ही आ गया तीनों इक्वेशन में। तो अब आई थिंक समझ में आया होगा कि हम जीरो क्यों बनाना चाह रहे हैं, व्हाई वी आर ट्राइंग टू मेक इट डायगोनल मैट्रिक्स। वैसे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं भी बनाओगे चलेगा, लोअर और अपर से काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोअर बनाएंगे दोबारा एक बार अपर बनाएंगे तो ये तीन एलिमेंट जीरो बनाएंगे। अच्छा ये तीनों जीरो कैसे बनाए वो मैंने तुम्हें बता ही दिया, इसको ये दोनों को तो जीरो हमें पहले से पता है जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे। अब ये दोनों जीरो बन गए, ये दोनों जीरो बन गए एक बार हमारे, फिर इसको जीरो कैसे बनाएंगे आर टू की मदद से, क्योंकि जब आर टू की मदद से बनाएंगे तो ये एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। देखो याद रखना इसकी मदद से नहीं बनाएंगे हम, ये वाला जो एलिमेंट जीरो बनाएंगे ना वो आर वन की मदद से नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि फिर ये चीज डिस्टर्ब हो जाएगी, हमें ये दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये तो हम जीरो बना के अभी लेके ही आए हैं, हमें इसको जीरो बनाना है। तो दिस विल बी दिस वी विल मेक जीरो विद द हेल्प ऑफ आर टू नॉट आर वन। क्लियर है बच्चों? चलो अच्छा अब जैसे कि किसी को डाउट हो सकता है कि सर चलो आपने बोला तो इसको बनाए डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, लेकिन तो उसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं मैं। बिफोर दैट यू जस्ट कॉपी इट बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट नाउ, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखना मैंने क्या बोला कि अब मुझे इसको फ्रेश लिख लेता हूं इधर एज ए क्वेश्चन, मुझे इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है। तो ये अभी मेरा लिखा है 1 1 1 6 0 -2 0 -4 0 0 -3 -, और कीपिंग इन माइंड वी हैव टू अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली, कॉलम से नहीं करना है हमें, ठीक है ना। चलो अब देखो तो मेरे को रो से ही रो का यूज करना है पहली बात, तो इसको जीरो बनाना है। मेरा टारगेट क्या है, देखो अब मेरा टारगेट क्या है कि पहला टारगेट मेरे को ये जीरो बनाना है, इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूँ। आई हैव टू मेक दिस एलिमेंट जीरो, ये वाला भी जीरो बनाना है और ये भी जीरो बनाना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे बनाए। तो देखो इधर वन है इधर जीरो है, तो इसको जीरो बनाने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन से मैं आर टू की मदद से बनाऊंगा, क्या लिखूंगा मैं, आर वन गोज टू आर वन प्लस हाफ ऑफ आर टू। देखो एक बार हाफ ऑफ आर टू हो जाएगा तो माइनस टू का हाफ माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा। तो देखो अब मैं लिख देता हूं इधर मैट्रिक्स बनाने के बाद, आर वन चेंज हो रहा है तो वन इधर तो जीरो लिखा है तो जीरो टाइम्स हाफ तो जीरो ही होगा, तो ये एलिमेंट तो वन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। फिर वन प्लस माइनस वन तो कितना हो गया जीरो। अब देखना इधर ये, हाँ ये वाला वन अगेन जीरो क्योंकि ये जीरो है, तो जीरो इंटू हाफ जीरो होगा तो वन ही बचेगा इधर। अब इधर सिक्स पे आते हैं, सिक्स प्लस हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ माइनस फोर इज माइनस टू, तो सिक्स माइनस टू इज फोर, तो ये हो गया हमारा फोर, ठीक है। और आर टू और आर थ्री ऐसे लिख दिए, तो जीरो माइनस टू जीरो माइनस फोर जीरो जीरो माइनस थ्री माइनस नाइन, ठीक है। चलो आप सुनना, ये तो ऑलरेडी जीरो है, अब इसको और जीरो बनाना है, अब क्या करें, अब मुझे इसको जीरो बनाना है, ठीक है। नाउ आई विल टेक हेल्प ऑफ थर्ड रो, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जीरो है ना, तो जब मैं आर वन में से आर थ्री को घटाऊंगा किसी भी मल्टीप्लाई करके ऐड करके, तो ये दोनों जीरो है इसलिए इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन समझ में आ रहा है, जैसे मैंने अभी आर टू की मदद क्यों ली, क्योंकि ये एलिमेंट जीरो था ना, तो ये चीज डिस्टर्ब नहीं होगी। इसी प्रकार अब मैं इसको मुझे जीरो बनाना है, अभी आई हैव टू मेक दिस एलिमेंट जीरो, सो आई विल टेक हेल्प ऑफ रो थ्री। तो क्या लिखूं मैं, देखो R1 goes to R1 plus 1 by 3 times R3, क्यों 1 by 3 करूंगा तो minus 3 का 1 third is minus 1 plus 1 0 हो जाएगा, तो इधर लिख लेते हैं matrix। तो R1 change होगा, ठीक है, तो 1 ये तो 0 रहेगा, ये 0 है तो इसमें 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 plus 1 by 3 0 तो ये 1 ही रहेगा, अगेन 0 plus 1 by 3 times 0 ये 0 ही रहेगा, 1 plus 1 by 3 times minus 3 which is minus 1 तो minus 1 plus 1 is 0, तो 4 अब देखना 1 by 3 इसको करूंगा तो माइनस 9 by 3 माइनस 3 4 माइनस 3 इज 1। अब इसको लिख लेते हैं तो ये हो गया 0 माइनस 2 0 माइनस 4 0 0 माइनस 3 माइनस 9। तो क्या मेरी ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गई? हाँ, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मुझे इतना फोकस करना है, बस इतना पार्ट, वो लास्ट वाला नहीं करना। इधर तो डेड डैश लगा है, वो मैंने लगाया नहीं है, हालांकि आई हैव टू पुट डेड डैश वाली लाइन, ठीक है। तो ये देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसके लिए अब इससे क्या होगा ना, मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, देखना कितना आसान हो गया। अब देखो
अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा इक्वेशन में, 1 into x, 0 into y, 0 into z is equal to 1, तो क्या आ गया, x is equal to 1, 0 into x minus 2 into y, 0 into z, तो minus 2y is equal to minus 4, तो y कितना आ गया, 2, 0x, 0y, minus 3z is equal to minus 9, तो z कितना आ गया, 3, hence proof, यही हमारा खन्ना था, ये हमारे वैल्यू आई थी। तो समझ में आया बच्चों कि ERT का एप्लीकेशन, हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। चलो अब इसका एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं हम, टू फाइंड इनवर्स, उसके बाद हमारा मैट्रिक्स चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, बोर्ड के लिए भी और जेई के लिए भी। तो जस्ट कॉपी दिस पार्ट, मैं अभी रब कर देता हूं और हम नेक्स्ट ले लेते हैं इनवर्स का क्वेश्चन। अगेन देखो, इनवर्स वैसे तो तुम नॉर्मल मेथड से निकाल ही सकते हो, ठीक है ना, वो तो बहुत आसानी होता है, बट कभी कभी क्या होता है, बोर्ड में तो डायरेक्टली आता है कि सॉल्व इट यूजिंग ERT, तो तुम्हें ERT लगाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, उसी के आधार पे हम लोग एक काम करते हैं, यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ थोड़ा सा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, चलो जैसा होगा इसके हिसाब से देखते हैं। चलो इनवर्स ही निकालना है, तो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए मैट्रिक्स, ओके, तो 1 2 0 0 -1 0 0 0 3, लेट मी चेक इट, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट ठीक है, नॉन जीरो है, परफेक्ट, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरा मैट्रिक्स है और मुझे निकालना इनवर्स, तो इधर लिख लो, एप्लीकेशन हो गई सेकंड, टू फाइंड ए इनवर्स, दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ ERT। तो इसमें करेंगे क्या, देखना ध्यान से, हम क्या करें, दो लाइन बनाए, पहले ये वाला मैट्रिक्स लिखा इसके अंदर, 1 2 0 0 1 0 0 0 3, ठीक है, फिर मैंने एक डेड डैश डैश लाइन बनाई, फिर इधर मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया इसी ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर 3x3 है, तो इधर मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगेन इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, तुम लोगों को बस स्टेप्स याद रखो, क्या लिखा, ये तो वही मैट्रिक्स लिख दी, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी। अब क्या क्या रहेगा हमारा टारगेट, हमारा टारगेट रहेगा कन्वर्ट दिस इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, करना तो हम आइडेंटिटी है, तो मैं स्टेप लिख रहा हूं, कन्वर्ट दिस इंटू फर्स्ट दिस इंटू, पहले डायगनल में कन्वर्ट कर लेते हैं, डायगनल मैट्रिक्स, देन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इस मैट्रिक्स को यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वाया डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ऐसा करने पे जो इधर बनेगी मैट्रिक्स वो हमारी होगी ए इनवर्स। कैसे, हम इसको एग्जांपल के थ्रू ही समझ रहे हैं, इसी के थ्रू देखना क्या किया, मेरे को इसको क्या बनाना है, डायगनल बनाना है, तो डायगनल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस 2 को 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाऊं मैं, देखो इस 2 को 0 बनाना है, तो क्या लगा रहा हूं मैं, R1 goes to R1 minus twice R2, देखो बच्चों, देखो अभी मैंने एग्जांपल भी ये ऐसा लिया है जिसमें बहुत सारे जीरोज हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना, अदरवाइज हमें और भी एलिमेंट जीरो बनाने पड़ते, बट एट प्रेजेंट हमें डायगनल मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें केवल इस एलिमेंट पे फोकस करना है, ये जीरो हो गया तो ये वाली डायगनल बन जाएगी, अगर तुम्हें चाहिए तो एक और नॉन जीरो ले सकते हैं हम, ठीक है, बट एक मिनट इसके लिए कर लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा। क्या बोला मैंने कि डायगनल मैट्रिक्स बनाना है मुझे इसको, तो उसके लिए मुझे इसको जीरो बनाना है, तो क्या लगाऊंगा मैं ऑपरेशन, R1 माइनस ट्वाइस R2, क्योंकि इधर 1 लिखा है ना, तो ट्वाइस ऑफ 1 2, 0 हो जाएगा। अच्छा, और रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है, कीपिंग इन माइंड। अच्छा, और जब भी तुम रो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो लगेगा तो पूरी रो में, ये कंप्लीट रो 1 है, ये पूरी यहां से यहां तक पूरी रो 1 है, लगाएंगे तो इसके हिसाब से कि हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है, और लगेगा पूरी रो पे। तो देखना क्या लिख रहा हूं मैं, R1 माइनस ट्वाइस R2, तो ये 1 माइनस 0, ये तो 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 इज 0, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 हो तो 0 हो गया, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 0, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 तो माइनस 2, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 0, और बाकी एज इट इज 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1।
ठीक है। अच्छा एक बार डेड डैश लाइन और बना देते हैं, हमारा इधर डेड डैश लाइन था, ठीक है। तो क्या ये मेरी आइडेंटिटी है? नहीं, अभी डायगनल। आइडेंटिटी में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स वन होते हैं, तो अब मुझे इसको इसको वन बनाना है। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लिखवाया था मैंने, कि हम किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको थ्री को वन बनाना है, तो क्या करूं मैं, इस पूरी रो थ्री को थ्री से डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइडिंग आर थ्री विद रो विद थ्री, तो देखना क्या बनेगा मेरा मैट्रिक्स। 1 0, ये तो सेम रहेगा, 1 0 0 डेड डेड डैश 0 माइनस 2 0 0 1 0 0 1 0। अब इसको 3 से डिवाइड करूंगा, तो इधर तो 0 ही रहेगा, 0 इधर 1 आ जाएगा, 0 0 1 बाय 3। तो क्या ये मेरा आइडेंटिटी हो गया, दिस इज माई आइडेंटिटी नाउ। तो ये जो मेरा होगा वो क्या होगा, इनवर्स। क्लियर है, दिस विल बी माई ए इनवर्स। एक बार देख लेते हैं, करेक्ट लिखा है, हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको ना नॉर्मल मेथड से और वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारा आंसर करेक्ट आया नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सेटिस्फेक्शन सा हो जाएगा। तो लेट्स वेरीफाई इट विथ डायरेक्ट मेथड, जो हम एडजॉइंट करके निकालते हैं, ठीक है ना। देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, हम इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेके निकालते हैं। तो उससे पहले मैं डेल्टा निकाल लेता हूँ इसका। तो डिटर्मिनेंट कितना है, मॉड ए रो थ्री कॉलम थ्री से एक्सपेंड किया, तो 3 × 1 3 आ गया। अच्छा अब कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ पहले मैं, फिर उसका ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, ये 1 गया, ये 1 गया, 1 × 3 3 माइनस 0 3। एक मिनट, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। आर वन माइनस ट्वाइस आर टू किया, 1 − 0 0 हो गया 0 − 0 1 − 2, ये 1 रहेगा ना, ये गलती हुआ, देखो इधर दिस विल बी 1, तो हमारा इधर 1 रहेगा, ठीक है ना, ठीक है, ये 1 रहेगा। चलो अब इसका निकाल रहे थे हम, तो 1 का हो गया ये 3, फिर ये 2 का कोफैक्टर ये गया 0 0, तो ये 0 हो गया। फिर इस 0 का कोफैक्टर ये गया 0 0, तो ये भी हमारा 0 आ गया, ठीक है। चलो अब इस 0 का कोफैक्टर ये गया 2 × 3 = 6, तो ये 6 पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव के साथ आएगा। फिर ये 1 का कोफैक्टर ये गया तो 1 × 3 3 माइनस 0, तो 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर ये 0 का कोफैक्टर ये गया 0 माइनस 0 0। फिर इस 0 का कोफैक्टर ये गया 0 0 ये गया। फिर ये 0 का कोफैक्टर ये गया 1 × 0 0 − 0, तो ये 0। फिर 3 का कोफैक्टर ये गया 1 − 2 = 1, तो ये 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 1 आया, ठीक है। ये तो मेरा क्या हुआ, कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स, इसको डिटरमिनेंट नहीं लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब मैं क्या करूं, अब देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ए इनवर्स इज 1 / mod A, तो मॉड ए तो कितना है 3, और फिर इसका ट्रांसपोज कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा मेरा 3 0 0 − 6 3 0 0 0 1। अब 1/3 को अंदर भेज देते हैं, तो ये 1 − 2 0 0 1 0 0 0 1/3। तो यू कैन सी ये जो हमारा इनवर्स है, जस्ट सी ए इनवर्स 1 − 1 0 0 − 2 1 0 0 0 1/3, एकदम मैच कर रहा है। तो यू कैन सी कि इससे भी आसान हो रहा है। देखो तो तुम्हें फील आ गई होगी ये मेथड, ठीक है लेंदी तो है थोड़ा सा, बट कभी कभी यूजफुल कब आ सकता है, जब हमारे जो मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकालना है ना उसमें जीरो बहुत सारे दिए हों, जैसे कि इधर था, केवल इधर हमें एक ही एलिमेंट पे वर्क करना पड़ा। अगर मान लो एक मिनट के लिए, अगर मान लो ये भी चलो एक मिनट के लिए मान लीजिए ये नॉन जीरो होता, ये जीरो की जगह मान लो 5 कुछ तो होता, तब हमें फिर जब इसको जीरो बनाया तब इधर तो जीरो आ जाता, इधर जीरो नहीं होता, हाँ, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, इसको भी जीरो बनाना पड़ता, फिर हमें एक बार और ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ता। तो इससे हमने क्या सीखा कि ये मेथड कब काम आ सकता है इनवर्स निकालने के लिए, थोड़ा फ्रूटफुल हो सकता है। ऑल दो ज़्यादातर तो हम मैक्सिमम टाइम मैं प्रेफर इसी को करता हूँ एडजॉइंट वाले को, ठीक है, अगर बोर्ड में नहीं, बोर्ड में तो हमें बोर्ड के लिए तो सीखना ही है, बट मान लो जेई के लिए इसका यूज़ कब आ सकता है, जब हमारा जो डिटर्मिनेंट जो दिया है ना मैट्रिक्स सॉरी उसमें जीरोस बहुत ज़्यादा हो, सो दैट हमें इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। क्लियर हो बच्चों? तो आई होप समझ में आया होगा।
सो यही हम एंड अप करते हैं हमारे मैट्रिक्स चैप्टर को, और 1 जून से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंक्शन। सो अभी मैट्रिक्स में जो भी तुम्हें डाउट हो, ठीक है, वो तुम पूछ सकते हो, और जैसा कि मैंने बोल भी दिया है व्हाट्सएप पे, तुम्हें शीट भी सेंड की है अरियंत की DPPs, उसमें शायद 5 या 6 शीट्स हैं, ठीक है, दैट यू हैव टू सॉल्व। और उसमें शायद लास्ट शीट में एक टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ JEE, मतलब JEE में वो सिलेबस में है नहीं। अगर बोर्ड में होगा तो हम लास्ट में देख लेंगे बोर्ड के टाइम, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, JEE में कभी आज तक नहीं पूछा गया, तो रैंक के क्वेश्चन यू कैन एस्केप, ठीक है, और जितना मैंने पढ़ाया दैट इज सफिशियंट, ठीक है, बस तुम्हें थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और शीट करने के बाद आर डी शर्मा का स्टार्ट कर देना, उसको भी कंप्लीट करो, मतलब कोशिश करो कि 1 जून के पहले तुम्हारा मैट्रिसेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा, जब भी टेस्ट होगा तो उसमें सिलेबस तुम्हारा मैट्रिसेस तक का होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप मजा आया होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।